हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके हब ट्रिक्स के ऊपर स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं 15 अगस्त 2019 के ऊपर, जो कि हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, ये इंडिया का 73rd इंडिपेंडेंस डे है आफ्टर 1947। तो आइए अब जानते हैं कि इस स्वतंत्रता दिवस की मेन क्या क्या हाइलाइट्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि ये 73rd इंडिपेंडेंस डे है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन है। तो आइए अब इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स के ऊपर जानें। तो इस बार जो है 73rd इंडिपेंडेंस डे जो है ये जम्मू कश्मीर में बीजेपी के द्वारा वहाँ पे इंडियन फ्लैग को होस्ट किया जाएगा, और बीजेपी ने इसे जश्न ए आज़ादी रेफर किया है इस ओकेज़न पे। उसके बाद दूसरी मेन फीचर है कि छत्तीसगढ़ जो हमारी स्टेट है, यहाँ पे 4.5 किलोमीटर लंबाई का सबसे बड़ा ट्राई कलर फ्लैग को अनफर्लिंग करेंगे, वहाँ पे खोला जाएगा। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल रायपुर में, जो कि कैपिटल है छत्तीसगढ़ की, यहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये भी इसकी मेन फीचर है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो हमारी गवर्नमेंट ने 5 जो ब्रेव इंडियन पायलट थे, जो कि मेन हीरो थे बालाकोट एयर स्ट्राइक के, उनको ऑनर देगी इस 15 अगस्त पे। और उनके नेम हैं विंग कमांडर अमित रंजन, स्क्वाडन लीडर राहुल बसोया, पंकज भुजदे, डी के एन रेड्डी एंड शशांक सिंह। उसके बाद है जो हमारे विंग कमांडर जी थे अभिनंद वर्तमान, उनको इस बार वीर चक्र के अवार्ड से नवाजा जाएगा इस 73rd इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। तो ये भी इन्होंने F-16 जो एयर प्लेन था USA का, उसको डिस्ट्रॉय किया था। उसके बाद इसी 15 अगस्त को 3 हमारे भारत रत्न दिए जाएंगे 3 लोगों को, जिसमें से हमारे नेम हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, सोशल एक्टिविस्ट नानाजी देशमुख एंड सिंगर और लिरिस्ट भूपेन हजारिका पोस्टमसली। इसमें से सिर्फ हमारे भूपेन हजारिका जी ही पोस्टमसली, यानी इनको मरने के बाद ये भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। और इनको ये अवार्ड 8 अगस्त को हमारे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिया गया है। ये इनकी फोटोग्राफ्स हैं, पहले हमारे दैट इज़ नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका जी। आइए अब जानते हैं कि कौन कौन से वो कंट्री हैं जो हमारे साथ 15 अगस्त को अपनी इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो फ्रेंच कॉलोनियल रूल से इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1960 को, तो ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हमारे साथ इंडिपेंडेंस डे मनाता है। उसके बाद है नॉर्थ कोरिया भी, ये जापान से आज़ाद हुआ था और अगस्त 15, 1945 को ये भी हमारे साथ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। उसके बाद है साउथ कोरिया भी 15 अगस्त 1948 को अंडर द यूएस स्टेट, इनके यूनाइटेड स्टेट के कंट्रोल में था, वहाँ से इनको आज़ादी मिली थी। तो उसके बाद है बहरीन को भी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से 15 अगस्त 1971 को आज़ादी मिली थी। उसके बाद है लिक्टेस्टेन, तो लिक्टेस्टेन में भी 15 अगस्त आपके 1866 को इसको मिली थी आज़ादी, और ये मिली थी जर्मन रूस से। तो 15 अगस्त 1866 और ये 1940 से कंटिन्यूसली ये जो डे है इसको सेलिब्रेट कर रहा है। तो इस तरह से ये हमारे मेन 5 कंट्री थे, जिसमें थे लिक्टेस्टेन, बहरीन एंड साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो।
आइए जरा नज़र डालते हैं विकिपीडिया के ऊपर, जो हमारे भारत रत्न अवार्ड जिसको 2019 में सम्मानित किया गया, उसमें से हमारे पहले हैं भूपेन हजारिका जी, जो बॉर्न हुए थे 8 सितंबर 1926 को सदिया असम में, और इनकी डेथ हुई थी 5 नवंबर 2011 को। 85 उम्र की आयु में इनका निधन हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में। और इनका ऑक्यूपेशन जो था, म्यूजिशियन, सिंगर, पोइट, फिल्म मेकर एंड लिरिसिस्ट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इनका जो नोटेबल वर्क था वो थी रुदाली, गाजा गामिनी, दमन एंड इंदिरा मलाटी। और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। और मूवमेंट जो था इनका था मेन मूवमेंट इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। और इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, भारत रत्न पोस्थमसली 2019 में, और पद्म विभूषण 2012 में, वो भी पोस्थमसली। आइए अब नज़र डालते हैं प्रणब मुखर्जी के कैरियर के ऊपर, जिनको इस बार 2019 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये हमारे 13th प्रेसिडेंट थे इंडिया के 2012 से लेके 17 तक, और रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनको 2019 में भारत रत्न दिया गया। और ये कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड थे, और ये इन्होंने हमारे जो यूपीए गवर्नमेंट 2 थी 2009 से 12 के बीच में इन्होंने यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट को भी हैंडल किया था। इनका जो इनका मेन जो पीरियड था वो था आपका 2012 से 17 तक। उसके बाद इनके जीवन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनकी बर्थ 11 दिसंबर 1935 को मिराती वेस्ट बंगाल में। इनकी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इनसे पहले आईएनसी से पहले इनकी जो पार्टी थी बीच में 1986-89 वो थी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। और इनको अवार्ड्स मिले हैं भारत रत्न अभी 2019 में मिला, और पद्म विभूषण अवार्ड 2008 में मिला। आइए बात करते हैं नानाजी देशमुख के। तो नानाजी देशमुख का जो पूरा नाम है, ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, दैट इज़ चंडिका दास अमृतराव देशमुख, इनको बोला जाता था नानाजी देशमुख। और इनके मेन लाइफ से रिलेटेड द फर्स्ट इज़ इनकी बर्थ जो हुई थी वो 11 अक्टूबर 1916 को हुई थी कदोली बॉम्बे में, और इनकी डेथ हुई थी 27 फरवरी 2010 को 93 साल की उम्र में, वो मध्य प्रदेश में। इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी भारतीय जनसंघ, और अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं भारत रत्न 2019 में और पद्म विभूषण 1999 में। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी हमारे भारत रत्न अवार्ड से, और 73rd इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स थी, मेन हाइलाइट्स थे, वो मैंने आपको इस वीडियो में अपडेट किया हुआ है। आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।